नमस्कार बच्चों, आज हम साकेत के महाकाव्यत्व पर चर्चा करेंगे। मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित साकेत कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण रचना है। ये अपने युग का प्रतिनिधित्व तो करती ही है, एक उपेक्षित पौराणिक पात्र को भी साहित्य के केंद्र में लाने का कार्य साकेत के द्वारा गुप्त जी ने संपन्न किया। भाषा, शैली, रस, छंद, भाव, सभी दृष्टियों से ये उत्कृष्ट रचना है। तो आज हम साकेत के महाकाव्य पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले समझेंगे महाकाव्य। महाकाव्य शब्द महत और काव्य है, दो शब्दों की योग से बना है। महत का अर्थ है महान और काव्य का अर्थ है कवि का कार्य। कविरिंद कार्य भावो वा, श्रुति के अनुसार काव्य उस मनीषी की सृष्टि है जो स्वयं संपूर्ण और सर्वज्ञ हो। कवीर मनीषी परिभूहु स्वयंभू, अग्नि पुराण में काव्य संसार की रचयिता कवि को प्रजापति माना गया है। कि जिस प्रकार प्रजापति ब्रह्मा को कहा गया है, जिन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की, इसी तरह जो विद्वत मनीषी कवि होता है वह उत्कृष्ट काव्य रचना करता है। वह इतना शक्तिशाली होता है कि अपनी रुचि के अनुसार विश्व में परिवर्तन कर देता है। अपारे काव्य संसारी कविरेव प्रजापति ही, यथा वही रोचते विश्वम तथेदम परिवर्तते। इसी कवि के साथ महत विशेषण के योग से महाकवि बन जाता और इसका कर्म महाकाव्य हो जाता। संस्कृत के मनीषियों द्वारा महाकाव्य संबंधी लक्षणों को का जो वर्णन किया गया है, उस पर जो चर्चा की गई है, उसको संक्षेप में हम इस प्रकार बता सकते हैं। पहला बिंदु है इसमें, महाकाव्य सर्गबद्ध होना चाहिए। जैसे नाटक अंकों में विभक्त होता है, उसी तरह महाकाव्य सर्गों में बटा हुआ होना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, सर्गों की संख्या 8 से अधिक होनी चाहिए। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, प्रत्येक सर्ग में एक ही छंद का प्रयोग होना चाहिए। चौथा बिंदु है, सर्ग के अंतिम दो तीन छंद परिवर्तित हो और उनमें भावी कथा की ओर संकेत होना चाहिए कि जो आने वाला, ताकि पाठकों के, श्रोता के मन में जिज्ञासा रहे कि आगे क्या होने वाला है। जब तक जिज्ञासा का भाव किसी रचना में नहीं होता तो वो पाठक को बांधती नहीं है और जिज्ञासा से ही वे उस रचना को आगे पढ़ने के लिए प्रेरित होता है। सूर्य चंद्रमा रात्रि प्रदोष अंधकार मध्यान्ह जिज्ञासा संग्राम यात्रा विवाह मुनि स्वर्ग नगर आदि का इसमें वर्णन होना चाहिए। कथा वस्तु लोक प्रख्यात वृद्धाकार तथा क्रमबद्ध होनी चाहिए। लोक प्रख्यात यानी आम जो जनता है, लोक जो है उसमें वह विख्यात होनी चाहिए, उस लोक उससे सुपरिचित होना चाहिए। वृद्धाकार, उसका आकार बड़ा होना चाहिए और उसमें क्रमबद्धता होनी चाहिए, बिखराव नहीं होना चाहिए। घटनाओं का एक केस में बहुत महत्वपूर्ण होता है। सातवां बिंदु है, नायक अथवा मुख्य पात्र धीरोदात अर्थात धीरता गंभीरता ओज शौर्य आदि महनीय गुणों से संपन्न होना चाहिए। आठवां बिंदु, श्रृंगार दीप शांत या करुण में से कोई एक अंगी रस हो तथा शेष सभी रस अंग के रूप में आने चाहिए। नौवां बिंदु है, महाकाव्य का लक्ष्य फल चतुष्टय धर्मार्थ काम मोक्ष होना चाहिए। और अंतिम बिंदु इसमें हम लेंगे, शैली विस्तार गर्भा नाना वर्णन गांभीर्य पूरिता तथा अलंकार सज्जिता होनी चाहिए। ये कुछ प्रमुख बिंदु हैं जो संस्कृत के
विद्वानों के द्वारा, मनीषियों के द्वारा महाकाव्य के लिए बताए गए थे। महाकाव्य में भारतीय आचार्यों के मतों के साथ साथ हमें पाश्चात्य आचार्यों के मतों का भी ज्ञान होना चाहिए। विभिन्न पाश्चात्य विद्वानों ने महाकाव्य के विषय में जो मत प्रकट किए हैं वो संक्षेप में इस प्रकार है। एक तो महाकाव्य वीर काव्य है। महाकाव्य का कथानक लोक विश्रुत और महत्वपूर्ण होना चाहिए, जो भारतीय विद्वानों ने भी बताया है। उसमें जातीय जीवन का व्यापक चित्रण होना चाहिए। भारतीय विद्वानों ने बताया उसमें नायक केंद्रित है और इसमें जातीय जीवन आम जो है उनका वर्णन इसमें होना चाहिए। महाकाव्य का नायक असाधारण प्रतिभा और व्यक्तित्व संपन्न व्यक्ति होता है। उसमें शौर्य और पराक्रम आदि गुणों का होना अनिवार्य। उसके व्यक्तित्व में राष्ट्रीय जीवन का सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व होता है और अंत में वह विजय चित्रित किया जाता है, क्योंकि नायक वो होता है जो समाज को नेतृत्व प्रदान करता है और अपने कर्मों के द्वारा, अपने चरित्र के द्वारा समाज को एक नई दिशा, एक नई गति प्रदान करने का कार्य करता है। महाकाव्य में घटना बाहुल्य और वर्णन वैविध्य होता है, इसलिए वस्तु संकलन में शिथिलता आ जाती है जो होना चाहिए। महाकाव्य की भाषा ओजपूर्ण, उसमें जातीय जीवन के आदर्शों की व्यंजना पूर्ण शक्ति और सामर्थ्य से होनी चाहिए। महाकाव्य का रचयिता महान प्रतिभा संपन्न मेधावी कलाकार होता है, क्योंकि जब तक प्रतिभा नहीं होगी तो वह महाकाव्य की रचना नहीं कर सकता। महाकाव्य का लक्ष्य महान होना चाहिए, अर्थात शाश्वत जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा, असत पर सत की विजय दिखानी चाहिए। ये कुछ भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा महाकाव्य के लिए कुछ लक्षण जो है, बिंदु जो है, वह निर्धारित किए गए। इस प्रकार महाकाव्य की आधारभूत मान्यताओं में यथा कथा संयोजन, चरित्र सृष्टि, वर्णन वैविध्य, छंद विधान, भाषा शैली की गरिमा, जातीय जीवनादर्शों की प्रतिष्ठा, समग्र जीवन चित्रण एवं उद्देश्य की महानता आदि की दृष्टि से पौर्वात्य और पाश्चात्य दृष्टियों में समानता है। ये कुछ गुण, कुछ लक्षण हैं जो भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों ने समान रूप से महाकाव्य के लिए बताए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने महाकाव्य के केवल चार तत्वों को महत्व दिया है, इतिवृत्त, वस्तु व्यापार वर्णन, भाव व्यंजना, संवाद तथा लक्ष्य की महत्ता। डॉक्टर गुलाब राय के अनुसार महाकाव्य वह विषय प्रधान काव्य है जिसमें के अपेक्षाकृत बड़े आधार में जाति में प्रतिष्ठित और लोकप्रिय नायक के उत्तात कार्य द्वारा जातीय भावनाओं और आदर्शों और आकांक्षाओं का उद्घाटन किया जाता है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कार्य अथवा उद्देश्य के उद्दात चरित्र, उद्दात भाव और उद्दात शैली अर्थात औदात्य ही महाकाव्य का प्राण है। इन तीन हिंदी के प्रमुख विद्वानों के द्वारा जो मत है उनमें भी कहीं न कहीं सार रूप में वही बिंदु समाहित हो रहे हैं जो पूर्व में भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों का के मतों का विश्लेषण करते समय हमने देखे थे। संस्कृत के आचार्यों और इन बंदों को लक्षणों को जो दिए गए हैं उनके आधार पर साकेत के संबंध में निम्नलिखित लक्षण तथ्य उपलब्ध होते हैं। सर्व प्रमुख पहला बिंदु है मंगलाचरण। कोई भी कवि जब खंड काव्य या प्रबंध काव्य की रचना करता है तो उसका जो इष्ट है, जो उसके आराध्य है, उनकी स्तुति वह करता है। तो मंगलाचरण साकेत में गुप्त जी के द्वारा मंगलाचरण को स्थान दिया गया है। दूसरा बिंदु है कथा, कि उसमें सुसंबद्ध क्रमबद्ध घटना एक के होना चाहिए, एक कथा वस्तु नियत होती है। तो साकेत की कथा वस्तु सुप्रसिद्ध इतिहास पुरुष, महापुरुष,
श्री राम की कथा पर आधारित है, जिसको कवि ने साकेत के मुख पृष्ठों पर इन शब्दों में स्वीकार किया है। मुख पृष्ठ पर राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई भी कवि बन जाए यह सहज संभाव्य है। तीसरा, सर्गों पर कि सर्गबद्ध होना चाहिए और 8 से अधिक सर्ग होना चाहिए, तो इस दृष्टि से भी साकेत में 8 से अधिक सर्ग, 12 सर्गों का विधान मैथिली शर्मा गुप्त जी के द्वारा किया गया है। चौथा बिंदु है नायक का। कवि ने नायक मतलब जो नेतृत्व प्रदान करने वाला हो, दिशा देने वाला हो समाज को, तो कवि ने उर्मिला को प्रमुख पात्र के रूप में चित्रित किया। लक्ष्मण धीरोत्तात नायक सिद्ध होते हैं। गुप्त जी के उपास्य देव राम थे, यदि राम को नायक माने तो वो भी धीरोत्तात थे। पांचवा है सर्ग का छंद। एक सर्ग का एक ही छंद में लिखा गया है और अंत में विद्वानों द्वारा दिए गए मतानुसार छंद के परिवर्तन भी हुआ है। जैसे प्रथम सर्ग में पीयूष वर छंद मुख्य है, अंत में चौपाई और रूपमाला छंद है। द्वितीय सर्ग में श्रृंगार छंद प्रमुख और अंत में लवंगम और हाकले छंद है। तृतीय सर्ग में प्रमुख छंद सुमेरु है, सर्गांत में सरसी और राम छंद। चतुर्थ सर्ग में मानव या प्रकली छंद मुख्य और अंत में सार और तोमर छंद। पंचम सर्ग में लवंगम छंद मुख्य और अंत में घनाक्षरी और दोहा छंद। षष्ठम सर्ग में पद पादाकुलक छंद और अंत में गीतिका व मधुमालती छंद। सप्तम सर्ग में हम देखते हैं कि चंद्र छंद या सरस छंद मुख्य, अंत में घनाक्षरी और सभानिका छंद का प्रयोग। अष्टम सर्ग में राधिका छंद मुख्य और सर्गांत में वीर और अरिल छंद का प्रयोग हुआ। नवम सर्ग में मंदाक्रांता, द्रुत विलंबित आर्य, दोहा, गीतिका आदि छंदों का प्रयोग हुआ है। दशम सर्ग वियोगिनी वृत्त के सर्गांत में मालिनी और अनुष्टुप छंद का प्रयोग। एकादश सर्ग में वीर और ताटक छंद मुख्य और अंत में मन हरण कवित्व और दोहा छंद। द्वादश सर्ग में रोला छंद मुख्य है और सर्गांत में उल्लाला छंद और उपजाति छंद है। छठा बिंदु है कि साकेत में संधियां, अर्थ प्रकृतियां, कार्य व्यापार की जो अलग अलग अवस्थाएं होती हैं, वो सब भी साकेत में विद्यमान है। साकेत में श्रृंगार रस प्रधान है और अन्य रसों का भी यथास्थान प्रयोग हुआ है। अंतिम फल के रूप में साकेत में धर्म को स्वीकार किया गया है। अगला बिंदु है प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन। ये कुछ प्रमुख बिंदु थे, जैसे छंद, नायक, रस और काव्य का अंतिम फल, जिस पर हमने चर्चा की थी। अब है प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन कि साकेत में संध्या, प्रभात, शत ऋतु आदि का प्राकृतिक वर्णन यथास्थान गुप्त जी के द्वारा किया गया। यात्रा, संग्राम और आखेट आदि का भी यथास्थान चित्रण हुआ है। इस प्रकार साहित्य दर्पण में वर्णित महाकाव्य के अधिकांश लक्षणों का समावेश साकेत में हुआ है। गुप्त जी को साकेत के प्रणयन की प्रेरणा द्विवेदी युग के प्रमुख आधार और जिनके नाम पर यह द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखे गए निबंध कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से मिला। जीवन के प्रति आस्था रखने वाले कवि का उद्देश्य उर्मिला का चित्रण ही नहीं, डॉक्टर नगेंद्र के शब्दों में उनका उद्देश्य वह राम भक्ति ही है तथा भारतीय जीवन को समग्र रूप से देखने और समझने की लालसा है। इस प्रकार काव्योपकरण यानी उर्मिला का चरित्र चित्रण तथा काव्य प्रयोजन राम काव्य के रूप में जीवन दर्शन भिन्न होने से साकेत
मानवता दर्शवादी काव्य होकर भी प्रेमाख्यान हो। साकेत का नाम किसी घटना विशेष या नायक नायिका पर न रहकर स्थान पर रखा गया। साकेत अयोध्या का दूसरा नाम है। साकेत में घटनाओं का केंद्र उर्मिला न होकर साकेत स्थान है। समुची मानवता के प्रतिनिधि तथा आदर्श राम है। कथा प्रख्यात राम कथा है जो ऐतिहासिक व धार्मिक दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है, जिसे भारत का प्रत्येक बालक जानता है। इसी के साथ ये संपूर्ण रचना सर्गबद्ध भी है और सर्ग भी पा रहे हैं। प्रत्येक सर्ग में एक छंद का भी प्रयोग हुआ है। महाकाव्य के लिए जिन नाट्य संधियों की अनिवार्यता बताई गई है, उनकी योजना इसमें पूर्णता न हो सके। इसका कारण यह है कि उपेक्षिता उर्मिला और राम कथा दोनों का एक साथ वर्णन होने के कारण कथा के संतुलन में थोड़ा व्यघात उत्पन्न हुआ है। डॉक्टर शंभुनाथ सिंह के अनुसार साकेत का वस्तु विन्यास सुगठित न रह सका, न फल प्राप्ति की ही उत्तरोत्तर विकसित हो सका। उसमें रसानुरूप संधियों और कार्यावस्थाओं की योजना नहीं की गई। कवि ने रूढ़ कथा शिल्प में विश्वास न करके स्वाभाविक स्वच्छंदता का उपयोग किया। ये एक कवि का वैशिष्ट्य और उनकी मौलिकता है। इसमें अरस्तु के संकलन त्रय का पूर्ण पालन हुआ है। एक साथ दो कथाएं वर्णित होने से कवि को स्थान महत्व देना पड़ा है। फलतः स्थान इक्के का इसमें निर्वाह हुआ है। संपूर्ण घटनाओं की रंग स्थली अयोध्या है और चित्रकूट प्रसंग में बलात् कवि संपूर्ण साकेत समाज को ले आए। इस प्रकार साकेत के महाकाव्यत्व के कुछ बिंदु हैं जिन पर आज हमने चर्चा करी। शेष बिंदुओं पर अगले कला